यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी सो सेकेंड अक्टूबर इज गांधी जयंती अब गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ यू कैन यूज दिस कोट एट वेरियस प्लेस मेन्स आंसर राइटिंग से लेकर अपने एस में आप ये कोट यूज कर सकते हैं इट इज वेरी फेमस वन द अर्थ हैज़ हैजफ रिसोर्सेज फॉर वन आर नीड बट नॉट फॉर आर ग्रीड अर्थ पे जितने रिसोर्सेज हैं वो इंसान की जरूरत के लिए बहुत हैं लेकिन जब हम उस उन रिसोर्स को लेकर ओ उनको ओवर एक्सप्लॉयड करने लगते हैं हम लालची हो जाते हैं देन ऑब्वियसली अर्थ डजेंट मच क्योंकि हम यही काम कर रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे के बारे में अगर आपने सुना हो तो हमारे उतने रिसोर्सेज जो हमें एक साल में यूज़ करने हैं हम ऑलमोस्ट इस साल का अर्थ ओवरशूट डे अगर आप देखेंगे जुलाई में ही आ गया हमने जुलाई में ही सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए तो so यही गांधी जी जो आज जो चीज़ें हम रियलाइज कर रहे हैं वो कई साल पहले गांधी जी कह के गए हैं अगेन रीड दिस लाइन द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेज फॉर आर नीड बट नॉट फॉर आर ग्रीट सो ब्यूटिफुली सेट अब देखिए गांधी जी का जो कंसर्न था नेचर को लेकर इन्वामेंट को लेकर अब वो ऐसे खुल के सामने नहीं आए एम एन ये आई इन्वायरमेंटलिस्ट अ कंजर्वेशनिस्ट बट अगर आप क्या देखेंगे कि उनकी जो राइटिंग्स थी उनके जो एक्शंस में हमको दिखता था कि उनका नेचर और एनवायरनमेंट के प्रति कितना प्यार था और कंजर्व करने की स्ट्रैटजीज़ उनके एक्शन में दिखती थी जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफन कोटेड फ्रेज़ गांधी जी का जो हमने पहले पढ़ा वो एक्चुअली दिखाता है कि हाउ वरिड ही वॉज़ कि उनका कंसर्न था नेचर और इन्वायरमेंट के लिए हमारी जितने कन्वेंशन अगर आप देखेंगे लेट्स क्रैक यू में रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ की पांच लेक्चर्स की उसमें हमने वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेन्शन्स पढ़े तो ये कन्वेंशन हमने देखा शुरू होते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से 1972 में दुनिया Awareness global leaders को अवेयरनेस हुई ग्लोबल लीडर्स को अवेयरनेस हुई कि यार हमको इन्वायमेंट के बारे में कुछ सोचना चाहिए लेकिन गांधी जी उससे कई समय पहले कई साल पहले उन कंसर्न्स के बारे में कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं कि आप इन्वायरमेंट को अगर तबाह करोगे उसके इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे जो हमको इन कन्वेंशन में नाइनटीन में जाके नाइनटीन में रियो समिट में जाके जिन बातों का एहसास हुआ अब इंडिया में मेजर जो मूवमेंट्स इन्वायरमेंट को लेके हुई चाहे वो चिपको मूवमेंट थी चंदी प्रसाद भट्ट की या सुंदरलाल भागुना जिसमें थे या नर्मदा बचाओ आंदोलन था बाय बाबा आमटे और मेधा पाटकर के द्वारा उन सब ने कहा कि हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली गांधी जी से तो इन्वायरमेंट की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स में भी अगर आप देखेंगे देवर इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी जो कंसर्न था गांधी जी का मेन इन्वामेंट के लिए अर्बनाइजेशन के लिए मैकेनाइजेशन के ऊपर वो उनकी स्पीचेस में एविडेंट था वो काफ़ी बार अपनी स्पीचेस में बोलते थे कि इन्वायरमेंट को जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है और जिस तरह से लोग अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ जा रहे हैं रिसोर्स पे स्ट्रेस पड़ेगा जैसे जैसे काम इंडस्ट्रलाइजेशन हो रही है मैकेनाइजेशन हो रही है अगेन उनका मतलब यही था कि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ जो हैं किस तरह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं इन्वायरमेंट को नुकसान होगा बट हाँ उस टाइम ये राइटिंग्स मैसेजेस को हम इतना अच्छा इन्वायरमेंट से रिलेट नहीं कर पाते थे तो आप ए, महात्मा गांधी को एक इस नज़र से देख सकते हैं दैट ही वॉज़ वर्ल्ड्स अर्ली इन्वायरमेंटलिस्ट इन विजन एंड प्रैक्टिस कल को यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेगा नो uh, you know, गांधी जी एज एन एनवायरमेंटलिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है अपनी प्रैक्टिस में भी हमको दिखता था अब गांधी जी ने बहुत बात की थी इवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन पे कि जिस तरह से जिस स्पीड से अर्बनाइजेशन हो रही है क्योंकि हर कोई शहर जाना चाहता है अर्बनाइजेशन uh, एक तरीके से हो और एक अनप्लान्ड तरीके से हो दोनों में डिफरेंस है तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं उसके बारे में बात की थी और दुनिया को चेतावनी दी थी बहुत पहले कि इससे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स जो हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो इंक्रीज हो जाएंगी जो कि आज हम देख ही रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है अभी हर तरह की पोल्यूशन हो रही है वेदर इट इज़ एयर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन इट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज इट वॉज हैपनिंग इन एन अनप्लान तो उन्होंने पहले ही इसके बारे में हमको बताया था उसके बाद मैके साथ इन आपको unemployment दिख रही है इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन दिख रहा है उनका जो डिफरेंट डिफरेंट काम है जैसे हिंद स्वराज उन्होंने कुछ सौ साल पहले ये लिखा नाइनटीन हंड्रेड नाइन में उन्होंने दुनिया को एक तरह से अवगत कराया हर उस प्रॉब्लम से इन्वायरमेंट की जो आज हम फेस कर रहे हैं अब एक नॉर्वियन फिलोसोफर हैं आपके वो डीप इकोलॉजी का आइडिया लेके आए थे डीप इकोलॉजी के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने भी कहा ही हैज़ बिन इंस्पायर्ड बाय गांधी जी कहाँ से जो गांधी जी का रियलाइजेशन वाला एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ही केम टू द रियलाइजेशन ऑफ एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल लाइफ तो उन्होंने गांधी जी ने यहाँ पे बात की थी दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट तो वहाँ से वो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेके आए जिस पे उन्होंने काम किया अगेन ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी अब अंडरस्टैंडिंग गांधी अब गांधी जी के काम करने के तरीके को उनके लाइफ को वर्क को अगर देखेंगे क्योंकि मैंने कहा सिर्फ उनके विजन में ही नहीं उनके प्रैक्टिस में भी इट वॉज इन्वॉल्व किस तरह से वो एग्रीकल्चर को इम्पॉर्टेंस देते थे चरखा चलाते थे आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की वो उस समय उसके बारे में बात करते थे सो यू कैन अंडरस्टैंड कि गांधी जी का विजन कितना एडवांस था जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं वो कई सौ साल पहले कह के गए और अपने प्रैक्टिस में करके गए स्वदेशी जो हम आज इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को स्वदेशी देसी स्वदेशी आज प्रमोट कर रहे हैं वो तब से स्वदेशी के बारे में बात करते थे कि कम्युनिटीज़ को अपने देश को सर्व करने का बेस्ट तरीका है इकोलॉजी एथिक्स पॉलिटिक्स तीनों में ही इन्वॉल्व थे और तीनों इंटरलिंक्ड हैं उनके हर काम में ये चीज़ें आपको दिखती हैं अब जिस तरह से वो मौन व्रत रखते थे ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ साइलेंस अब आप सोचेंगे मौन व्रत किस तरह से इकोलॉजी से रिलेटेड है देखिए मौन व्रत में क्या होता है कि हम लोग हिंदुइज़म में इसको फॉलो करते हैं एंड प्रॉबेबली कुछ और रिलीजन्स में भी जहाँ पे हम पूरा दिन चुप रहते हैं किसी से बात नहीं करते बहुत बार आपने लोग देखा होगा कि आज ये बात नहीं करेंगी या करेगा बिकॉज इन्होंने मौन व्रत रखा है ये साइलेंट रहेंगे आज पूरा दिन तो गांधी जी मौन व्रत रखते थे इससे वो क्या करें मौन व्रत का क्या मतलब है अगर आप पूरा दिन नहीं बोलेंगे तो आपकी एनर्जी कंजर्व होगी तो इकोलॉजी में ही हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं ह्यूमन एनर्जी इज आल्सो एन एनर्जी राइट सो इट इज एक्चुअली रिलेटेड एंड यू विल सी इट दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन हिज प्रैक्टिस ऑल्सो तो यहाँ पे तभी मैंने इसको कनेक्ट किया कि वो इस पर ये इकोलॉजिकल जेस्चर है मौन व्रत क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल कल्चर से नॉइज़ कंजम्पशन एनर्जी वेस्टेज हो रहा है तो उसको वो कहीं ना कहीं अप, अपनी प्रैक्टिस में ठीक करने की कोशिश आपको नज़र आती है कि वो मौन व्रत रखते थे अब उनका जो इकोलॉजिकल विजन था उनकी पर्सनल लाइफ के इवेंट से वो आपको मैं यहाँ पे कुछ कहानी के रूप में या कुछ एग्जाम्पल्स uh, हम देखेंगे गांधी जी ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही थी जैसे उनके ओपिनियन में कि नेचर को नेचर का कोर्स लेने दो उसको खुद से जाके चेंज ना करो जैसे हर एनिमल ही एक्चुअली एवरी अदर एनिमल इज माइंडिंग हिज ऑन बिजनेस तो ह्यूमंस को भी यही कहा जाता था कि हर एक चीज पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो ऐसा वो सोचते थे जैसे गांधी जी के रूम में एक बार स्नेक आ गया तो वो स्नेक को भी नहीं मारते थे कि मैं एक स्नेक को मार के अपनी लाइफ नहीं बचाना चाहता तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन नजर आएगा पहले मौन व्रत से कंजर्वेशन ऑफ नेचर और स्नेक को ना मारना इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ठीक है सेकेंड वेस्ट कि वो वेस्ट के बहुत खिलाफ थे कि किसी भी तरह का वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आज हम देखिए कितने सारे प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन लेके आए हैं तो वो इसके बहुत पहले ही इसके खिलाफ थे एक एग्जांपल उनके एक स्टूडेंट था डिसिपल था उनका तो वो कुछ नीम के पत्तियां तोड़ने के लिए अगर जाता था ना तो पूरी की पूरी ब्रांच को ही तोड़ देता था तो जब गांधी जी ने ये चीज देखी तो उन्होंने उसको डांटा कि ऐसा मत करो जितने पत्ते आपको चाहिए उतना तोड़ो पेड़ से माफी मांगो और फिर उसको यूज करो ऑब्वियसली नेचर खुद को रिप्लेनिश करती है लेकिन पूरा ट्विग तोड़ के उसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो वो किसी भी वेस्टफुल एक्शन के टोटली खिलाफ थे ऊपर से वेजिटेरियन भी थे ऑल्डो वो वेजिटेरियन फूड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे क्योंकि वो कहते थे कि मीट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर डालती है सॉइल पे भी और वाटर रिसोर्सिस पे भी तो ऑब्वियसली ही वाज वेजिटेरियन उसको प्रमोट करते थे लेकिन अगर उनके आश्रम में कोई आ जाता था जैसे यूरोपियन विजिटर्स आते थे जो मीट खाते थे तो उसको मीट खाने से रोकते नहीं थे क्योंकि उसको वो समझते थे इट विल बी वॉयलेंस किसी के मन के खिलाफ जाके उसको कुछ खिलाना वो वॉयलेंस है सो so, क्या क्या चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस हुए तो जेनिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे क्योंकि जेनिज्म जिस तरह से नेचर को देखता है हर लिविंग एंटाइटी चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही क्यों नहीं है उनको कंजर्व करने की बात करता है उनका संरक्षण करने की बात करता है प्योरिफाई करने की बात करता है हर लाइफ फॉर्म को इम्पोर्टेंस देता है चाहे वो छोटा सा छोटा जानवर क्यों ना हो तो इसलिए वो जेनिज़म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड आपको नज़र आएंगे कि नेचर फ्रेंडली स्टडी लिविंग पे वो फोकस करते थे तो अब रिसेंटली भी आप देखें गवर्नमेंट ने आ, गांधी जयंती पे कई तरह के प्रोग्राम्स शुरू हुए जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है वो आया और ये गांधी जी के चश्मे ही आपको इसमें नजर आएंगे स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से गांधी जी वॉज एक अर्ली इन्वायरमेंटलिस्ट जिनको शायद हमने गांधी जी को अभी इस रूप में नहीं देखा या इस रूप में उनकी आ, रीडिंग्स को उनकी स्पीचेस को इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं की सो दैट इज इट अबाउट टूडे बाकी आप अपनी प्रिप्रेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जैसे आपको पढ़ना है बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं सो यू हैव प्लस कोर्स एन आईकॉनिक कोर्सेज टेन परसेंट ऑफ आप ले सकते हैं यू कैन यूज़ अ कोर वीरोस सी फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना है अगेन द सेम कोड अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं सो हेयर इज योर चांस यू कैन टेक दैट बैचेस लेटेस्ट बैच ट्वेंटी नाइन को शुरू हुआ है गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इनकेस आप एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप ई एम आई पे ले सकते हैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा मेन्स टेस्ट सीरीज ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यू कैन सब्सक्राइब और बाकी एक फीचर है डाउट ब्राउज करने का तो आप हमारी एप्लीकेशन पर वेबसाइट पर वो भी कर सकते हैं मेरे पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए दैट इज विरोनिका का अंडर स्कोर यूपीएससी सो दैट इज इट थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गांधी जयंती